गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. क्या बात है सर, आप तो आज बहुत एक्साइटेड लग रहे हो. अरे बात ही कुछ ऐसी है श्वेता, शायद तुम्हें मालूम नहीं है हमारे हाथ क्या लगा है. ये हमारे सबके करियर्स का टर्निंग पॉइंट हो सकता है. वो तो है सर. ये देखो मैंने इसे कितना बारीकी से अंदर से साफ किया है. देखो इसके कोने देखो. लाओ डिक्टाफोन तो. या थैंक यू. कल हमें मध्य प्रदेश के मांडू के जंगल से सदियों पुराना ताबूत मिला है और अब मैं उसकी कुछ विशेषताएं और टिप्पणी करने जा रहा हूं. इसके बगल में जो लिपि पाई गई है वो सदियों पुरानी पाली लिपि लग रही है. हमने पहले इसे इजिप्ट का समझा था लेकिन दरअसल इसका मूल भारतीय ही है और इसके किनारों में भारतीय चित्रकलाएं गढ़ी हुई है और इसके ऊपर की तरफ जो चेहरा बना हुआ है उस पर भी एक मुकुट है जिससे ये अंदाजा बिल्कुल लगाया जा सकता है कि ये ताबूत किसी राजघराने की व्यक्ति का होगा. सर, मरे हुए लोगों के बॉडी पर ये लेप लगाकर उनकी मम्मी बनाना, ये तो अपने भारत का कल्चर है ही नहीं. फिर ये मम्मी कहाँ से आई? श्वेता, क्या अब तक तुमने मुझसे यही सीखा है? तुम्हारा काम है अतीत की खोज करना और उसे समझना, ना कि पहले से ही अपनी राय बना देना. ये देखो इसकी साइड पे पाली भाषा में क्या लिखा है, मैं तुम्हें हिंदी में पढ़कर समझाता हूं. ये मम्मी त्रिभुवन वंश के राजकुमार हर्षवर्धन का है. इस यात्रा की सफलता के लिए उनका प्रिय खंजर उनके साथ इस ताबूत में रखा गया है और इस खंजर से उन्होंने असंख्य शत्रुओं का नाश किया है. बाप रे बाप, हैवी स्टफ. या सर, मैंने सुना है कि ये मम्मी श्रापित होती है और जो कोई भी इनके ताबूत को छेड़ता है उन्हें बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है और वो मर भी सकते हैं. श्वेता, ये सब बकवास बातें हैं. और तुम ये सब बातें कब से मानने लगी? सर, मान नहीं रही हूँ, मैं तो आपसे पूछ रही हूँ. अब तो इतना सब जानते हो. ठीक है, वो सब छोड़ो, अब मेरी मदद करो. मैं तुम्हें इसके अंदर का नजारा बताता हूँ. ये देखो, उठाओ इसे. ये क्या था सर? शायद कोई गैस होगी. वाओ, राजकुमार हर्षवर्धन का खंजर तो बहुत ही शानदार है और इसमें ये जो हीरे जवाहरात लगे हुए बहुत ही कीमती हैं. मुझे तो इस मम्मी के पास में कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है. आपको नहीं लगता कि इसे हमें ऊपर सीनियर को सौंप देना चाहिए? वैसे भी हमारे पास यहाँ पूरे साधन भी तो नहीं है. नहीं श्वेता, मुझे इसमें अभी थोड़ी और रिसर्च करनी है. तुम्हें पता नहीं है इसमें कौन कौन सी जानकारी हमें मिल सकती है, ऐसी जानकारी जो किसी के पास नहीं हो. जैसे आपको ठीक लगे सर. एक काम करना, वॉचमैन को कहना कि इस जगह की निगरानी बहुत अच्छे से करें, ये बहुत ही महंगी और दुर्लभ चीजें हैं. कौन है?
अरे किस्मत की चाबी, अब मुझे ना माला माल होने से कोई नहीं रोक सकता। से किसी को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि हमारी ये खोज, जिसके लिए हम सब इतने एक्साइटेड थे, वो हमारी जिंदगी तबाह करने वाली थी। हम सबका भविष्य अतीत के काले पन्नों से ढका हुआ था और आने वाला हर पल एक नए खौफ को जीवन देने वाला था। राजकुमार हर्षवर्धन को देश विदेश की यात्राएं, भ्रमण करना बहुत पसंद था। वो मिस्र भी गए थे और वहां पे मम्मीज को करीब से देखा था और बहुत प्रभावित भी हुए थे। उनकी मृत्यु के बाद उनके पार्थिव शरीर को भी ठीक उसी तरह से लेपा गया था जैसे मिस्र में किया जाता है। फैंटास्टिक। इसका मतलब कि ये मम्मी भी 4,000 साल से भी ज्यादा पुराना हो सकता है। हेलो, व्हाट? ये सब हुआ कैसे? इसे सड़क पे इसी हाल में पाया गया था और देखने से तो ऐसा लग रहा है जैसे सड़क के वाला कुत्तों ने इसे नोच खाया और इसने शराब भी पी हुई थी, शायद तभी कुत्तों ने इस पे अटैक किया होगा। और हाँ, ये तो आईडी इसके पास थी, नहीं तो इसका चेहरा पहचान पाना बहुत मुश्किल था। और इसी आईडी के बेस पे मैंने आपका कॉन्टेक्ट नंबर निकाला। लेकिन इसकी ड्यूटी तो हमारी लेबोरेटरी में थी, ये सड़क पे कैसे पहुंच गया? होना हो, पर मुझे लगता है इन सब के पीछे वो हर्षवर्धन की मम्मी ही है। सर, मैंने आपको कहा था ना मम्मी के श्राप के बारे में। एक बार तुम्हारी बात मान भी ले, पर नरेंद्र ही क्यों? उसका क्या लेना देना था मम्मी से? वो तो हम लोग थे जो मम्मी को जंगल में से लेके आए थे। तुम लोग अपने आप को आर्कियोलॉजिस्ट कहते हो और ऐसी वाहियात बातों में भरोसा करते हो? शर्मानी चाहिए तुम दोनों को। पर सर। ओ शट अप, मुझे कुछ नहीं सुनना है। कल सुबह तुम दोनों लेबोरेटरी में मिलोगे मुझे, फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। मम्मी का अगला शिकार कौन होने वाला था इसका किसी को भी अंदाजा नहीं था। अगर डॉक्टर त्रिलोक उस वक्त मेरी बात सुन लेते तो जो होने वाला था उससे बचा जा सकता था, पर जो आगे होने वाला था उसका किसी ने सोचा भी नहीं था। कौन है? कौन है? कौन है? कौन है?
जो भी इस ताबूत को इस जगह से बाहर निकालेगा या क्षति पहुंचाएगा वो मारा जाएगा। The number you are trying to call is out of coverage area. कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? ये सब ये कैसे हुआ? देखकर तो ये लगता है कि सुसाइड है। केमिकल रिएक्शन की वजह से ये सब हुआ है। लेकिन ये कौन सा केमिकल हो सकता है? वो तो रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा। हमने लिक्विड को टेस्ट के लिए फॉरेंसिक लैब भेज दिया, रिपोर्ट आज ही आ जाएगी। रोमन रोमन शांत। श्वेता, बात कुछ मेरी समझ में नहीं आ रही है कि जुबल सुसाइड क्यों करेगा। वैसे तुम तो उससे बात करती थी ना, कुछ बताया था क्या उसने? कुछ फैमिली प्रॉब्लम? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो फिर? पर सर, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इन सब के पीछे वो मम्मी ही है। तुम फिर शुरू हो गई ना मम्मी वाली बकवास को लेकर। It's nonsense. सर, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कल मेरे साथ भी कुछ अजीब हुआ। क्या हुआ? कल मैं नहा रही थी और सडनली वॉश बेसिन के वहाँ पे मेरे पूरे मुंह पर खून था सर। श्वेता, do you seriously expect me कि तुम्हारी इस childish fantasy को मैं सच मान लूँ? सर, आपको यकीन नहीं है ना, पर मुझे है क्योंकि मैंने खुद उसे एक्सपीरियंस किया है और मेरे पास कुछ ऐसा है जिसे देखने के बाद आप भी यकीन कर लोगे। चलो जो भी इस ताबूत को इसकी जगह से बाहर निकालेगा या क्षति पहुंचाएगा वो मारा जाएगा। ये लो तुम्हारी अमानत। ये सेंटेंस दुनिया भर के ताबूतों पे जानबूझकर लिखा जाता है ताकि चोर और लुटेरे इनसे दूर रहे और उनको नुकसान नहीं पहुंचाए। सर, इतना सब कुछ आपके सामने हो रहा है और ये देखने के बाद भी आप इतने जिद्दी कैसे हो सकते हो? We'll be right back.
की डेड बॉडी से ये क्या? इस रिपोर्ट के मुताबिक तो जुबल की मौत डूबने से हुई है। क्या? पर ये कैसे हो सकता है? ये रिपोर्ट में लिखा है कि जुबन के पूरे शरीर और फेफड़े में एक हरे रंग का केमिकल फैल चुका था। सर, ये हरे रंग का केमिकल एग्जैक्टली होता क्या है? ये केमिकल जूनिपर नाम के पौधे में पाया जाता है। कौन सा पौधा? जूनिपर, जिसे हिंदी में आरआर और संस्कृत में हापुषा कहते हैं। और इस केमिकल को इजिप्ट में आरआर के तेल और देवधर पेड़ के तेल के मिश्रण से बनाया जाता है, और इसका इस्तेमाल ममी बनाने के लिए लेप में किया जाता था ताकि वो सदियों तक बिल्कुल वैसा ही रहे। लेकिन क्या सोच रहे हो आप सर? हाँ, मैं ये सोच रहा हूँ कि ये जूनिपर का पेड़ तो हिमालय में उगता है, हमारी लेबोरेटरी में कैसे है? क्या कोई हो सकता है जिसने इसे यहाँ लैब में लाया हो? नहीं, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से तो यही साबित हो रहा है कि ये सुसाइड नहीं है। तो पॉसिबल है कि ये मर्डर हो। क्या अगर आप लोगों को जरा भी खतरा महसूस हो या कोई भी बात अजीब लगे तो तुरंत मुझे खबर करना। सर, पता नहीं पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। जब से हमने हर्षवर्धन की मम्मी को बाहर निकाला है तब से दो लोगों की मौत हो चुकी है। मेरा दिमाग इस सब में जरा भी यकीन नहीं करता, लेकिन मेरा दिल कहता है कि अगर इसमें जरा भी सच्चाई हुई तो कुछ बहुत बुरा होने वाला है। अफसोस इस बात का है कि डॉक्टर त्रिलोक ने मेरी बात बहुत देर से सुनी। अब तो मौत का बहुत बड़ा बवंडर आना बाकी था, और जो उस सब के बाद आखिर में हुआ उसने मेरी जिंदगी बदल के रख दी।
तुझे भी गाड़ा जाएगा आनंद काल के लिए। नहीं छोड़ दो मुझे। श्वेता, अरे जरा जोर से बोलो, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ। सर मैंने वो मम्मी देखी सपने में। सर वो कोई और नहीं, हर्षवर्धन ही है सर। ये उसका श्राप ही है, एक के बाद एक सबकी जान जा रही है। अरे श्वेता, तुम पढ़ी लिखी होकर सपनों में भरोसा करती हो? सपने सच नहीं होते, जानती हो ना। सर प्लीज मेरा यकीन कीजिए, वो मुझे डरा रहा है क्योंकि हमने उसकी ताबूत को छेड़ा है। अच्छा, तो फिर वो मेरे पास क्यों नहीं आया? भाई मैं भी तो इस सब में तुम्हारे साथ इन्वॉल्व हूँ ना। सर मैं तो पहले से आपको समझा रही थी, पर आप ही मेरा यकीन नहीं कर रहे थे। हर्षवर्धन की मम्मी का श्राप जागृत हो गया है। शायद तुम सही थी श्वेता, अब तो मुझे भी यकीन होने लगा है। लेकिन इस मम्मी को उसकी कब्र तक भी हम नहीं ले जा सकते। प्रेस वालों ने जो इतनी कवरेज दे रखी है, किसी चोर या लुटेरे को पता चल गया तो ये ताबूत तोड़कर इसे नुकसान पहुंचा देगा। हाँ, पर कोई तो रास्ता होगा ना। हम इसे हमारे दिल्ली हेडक्वार्टर में भिजवा सकते हैं। हाँ सर, अब बिल्कुल सही कह रहे हो, इसे जल्द से जल्द यहाँ से निकलवाइए। कल सुबह ही मैं एक टीम को बुलवा कर इसे यहाँ से हटवा देता हूँ। तुम घर जाओ और रेस्ट करो। पर आप सर? इसे भिजवाने से पहले मुझे कुछ आखिरी टेस्ट लेने होंगे, दोबारा तो ऐसा मौका नहीं मिलेगा ना। बट सर प्लीज बी अवेयर। चलो, टेक केयर, बाय। रिपोर्ट के मुताबिक और उस समय की परंपरा के मुताबिक राजकुमार हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद उनके शरीर के सारे अंदरूनी अंग निकाल दिए गए। उनका दिल, फेफड़े, लिवर और अंतड़ियां रसम के मुताबिक इस्तेमाल होने वाले जारों में रख दिए गए थे, जो हमें ताबूत से ही बरामद हुए हैं। Oh, oh, yes.
छोड़ो मुझे, छोड़ो छोड़ो छोड़ छोड़ मुझे। बेटा बेटा तुम्हारी सारी बातें सही थी, ये मम्मी का ही श्राप है जो ये सारी मौतें हो रही है। तुम्हें किसी भी तरह से इस मम्मी को नष्ट करना होगा और तुम्हें अपने आप को बचाने के लिए इस मम्मी के खंजर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्या बचाओ, पिक अप द फोन, पिक अप द फोन। हेलो हेलो सर। हेलो श्वेता। सर क्या हुआ? श्वेता तुम्हारी बात सही थी, ये मम्मी का ही श्राप है। वादा करो, वादा करो, अगर मुझे कुछ भी हो गया तो तुम इस मम्मी को नष्ट कर दोगी। वादा करो मुझे। हेलो सर। नहीं, नहीं, नहीं। हेलो हेलो सर, सर आप प्लीज कुछ बोलो। हेलो, छोड़ो श्वेता। श्वेता तुम्हारी सारी बातें सही थी, ये मम्मी का ही श्राप है जो ये सारी मौतें हो रही है। तुम्हें किसी भी तरह से इस मम्मी को नष्ट करना होगा और तुम्हें अपने आप को बचाने के लिए इस मम्मी के खंजर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो आप मुझसे ये उम्मीद लगा रही हैं कि आपकी इस बात का विश्वास कर लूं कि ये मम्मी जो सदियों से मरा पड़ा है उसी ने जुबल और डॉक्टर त्रिलोक को मारा है? हाँ हाँ यही सच है। अब मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं? मैंने अपने पूरे करियर में ऐसी अटपटी बात आज तक ना सुनी ना देखी। देखिए, आपको मेरी मदद करनी होगी इस मम्मी को नष्ट करने में। सुबह होने ही वाली है, सूरज उगने से पहले हमें इस मम्मी को नष्ट करना होगा, वरना बहुत देर हो जाएगी और हमारे पास इतना समय भी नहीं है। प्लीज प्लीज मेरा यकीन कीजिए।
वादा करो अगर मुझे कुछ भी हो गया तो तुम इस मम्मी को नष्ट कर दोगी, वादा करो मुझे। जल्दी करो, जलाओ इसे, जल्दी। इसकी गर्दन तो फिर से जुड़ने आ रही है, तो अब क्या करें? डॉक्टर त्रिलोक ने कहा था कि इसे पूरी तरह नष्ट करना होगा। श्वेता, अब तुम अपने डिपार्टमेंट को कैसे कन्विंस करोगी? क्या बताओगी उन्हें? यही कि मम्मी का श्राप सच है। आज भी वो मंजर मेरी आंखों के सामने उसी तरह छपा है जैसे मानो ये कल ही की बात हो। मैं उस मम्मी के कहर से तो बच गई, लेकिन मैंने अपने आर्कोलॉजिकल टीम के सारे मेंबर्स खो दिए। आज भी मैं रात को कई बार चौंक कर उठ जाती हूँ। वो मम्मी भले ही हमेशा के लिए मर चुका हो, लेकिन आज भी वो मेरी यादों में जिंदा है और पता नहीं कब तक रहेगा।